सारे फिर वोट मांगने को आए तो देता लावारिस वार्ड हो, जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। फैंसी गार्मेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज दोपहर में 2:30 से 3 बजे के दरमियान नौरानी नगर में एक पानी की टाकी का वाल खराब हो जाने की वजह से लाखों लीटर पानी आसपास के घरों में घुस गया, साथ ही साथ कुछ कारखानों में भी पानी ने घुसकर नुकसान पहुंचाया है। वहां के इलाके के लोगों ने जब हमें खबर की तो तकरीबन 8 बजे के दरमियान हम उस जगह पर पहुंचे और हमने पाया कि कई घरों में पानी घुसा हुआ है और 5 घंटा गुजर जाने के बाद भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहालत मजबूरी उन्होंने वाटर पंप जो घरों में आमतौर से इस्तेमाल होता है उससे पानी निकालने की वो नाकाम कोशिश कर रहे थे, मगर 5 घंटे कोशिश करने के बाद भी उन्हें नाकामी हाथ लगी और पानी पूरी तरीके से निकला नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे घरों में, क्योंकि पतरे के घर है, कच्चा इलाका है, वहाँ पर सोने बैठने की रात में तकलीफ हो गई, इसलिए लोगों के मुताबिक कुछ लोग इलाके के अपने रिश्तेदारों के घर भी गए ताकि किसी तरीके से रात बिता सके। उन्होंने इंतज़ामिया को भी इस मामले में बताने की कोशिश की, मगर इंतज़ामिया ने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया और जिस वालमैन ने वहाँ पर वाल खोला था और जिसके ज़रिए से ये वाकया रोनुमा हुआ, जब इलाके के लोगों ने और कुछ ख़वातीन ने उसे इस बात की शिकायत की तब उसने उन इलाके की ख़वातीन से बदतमीज़ी से बातें की। ऐसा उस इलाके के लोगों का कहना है, आए दिन की इस तरह की तकलीफ है। पिछले दिनों हमने उसी पानी की टाकी की आपको खबर भी दी थी, टाकी जो है जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है और वो 2016 में करोड़ों रुपए की लागत से बनी थी, जो कि उस वक्त जो अमृत जल योजना के तहत बनी थी, मगर 5-6 साल में ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई के जगह जगह से वो जो है प्लास्टर उखड़ चुका है, जगह जगह से टांकी लीकेज हो रही है। पास पे ही बच्चों की स्कूल भी है और कई इलाके के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए भी जाते हैं। ऐसी सूरत में क्योंकि पानी लीकेज हो रहा है, प्लास्टर ख़राब हो गया, अंदर का सरिया भी जो है ख़राब और जंग आलूद होने का ख़तरा है, ऐसी सूरत में अगर वो पानी की टाँकी ज़मीन दोज हो गई तब एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरकैफ आज की आई हुई इस आफत से भी बड़ा नुकसान हुआ, एक कारखाने में पानी घुस गया जहां पर जेर ज़मीन वायर थी, अंडर ग्राउंड वायर थी और बिजली के तार थे, जिसकी वजह से वहां पर पावर लूम में करंट उतरने का खदशा हो गया। इस वजह से कारखानादार ने उस वक्त से कारखाना बंद किया हुआ, जो अभी रात में भी जो है वो बंद रहेगा। ऐसी एक नहीं कई तकालीफ है जिसका इजहार इलाके के लोगों ने हमसे किया, साथ ही उस इलाके की खवातीन का ये भी कहना है कि अगर इस इलाके में गटरें बना दी जाती तो पानी गुजरने के लिए कोई ना कोई माकूल रास्ता मिल जाता और ये पानी घरों में नहीं घुसता, क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरीके से तबाह हुआ है। आमतौर से जुमा के दिन जब मालेगांव शहर में कसीर तादाद में पानी का फ्लो बढ़ता है गटरों में, उस सूरत में भी जब उस जगह पर पानी आता है तब निकासी का इंतज़ाम ना होने की वजह से सड़कों पर गटर का पानी होता है, वहाँ के इलाके की खवातीन अपने हाथ से वहाँ गटर साफ करने पर मजबूर हो जाती है। एक नहीं अनेकों समस्या है जिसका इजहार वहाँ के लोगों ने किया। गटर भी नहीं है और ये पाइप लाइन की वजह से भी बहुत तकलीफ है, टाँकी एकदम लीक हो जाती है, पानी बहने लग जाता है, अभी तो वाल खराब हो गए और सब कच्चा मकान है ना, पानी भी कम आता है, कच्चे मकान है, बच्चे लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, रात का टाइम है ना, दिन रहता है तो इंसान इधर उधर रिश्ते से घर में बैठ कर निकाल लेता है, रात में कहाँ जाएंगे। अच्छा, घर में पानी भर गया है सब और गटर भी नहीं है, गटर होते तो गटर के जरिए से वो पानी पास हो जाता है, अब ये पानी तो हमारे घर के अंदर है। नहीं, गटर ना होने की वजह से हाँ, ये आपके घरों में जो है, हमारे घरों में पानी। अच्छा, न गटर वाले आते हैं ना कचरा वाले आता है और ये पानी की अलग परेशानी है। अच्छा, तो ये इलाके में इस तरह की जो तकलीफ है ये हमेशा आप लोगों को होती है? जी बराबर, जब ना तकलीफ की हमारे साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कॉरपोरेशन इंतजामिया को या कॉरपोरेटर को या मौजूदा एमएलए को या किसी सियासी पार्टी के
लोगों को आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, शिकायत की? आवाज़ पहुंचाई है, सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। अच्छा, कितने साल से ये इलाका यहाँ पर है? 12 साल से। अच्छा, अगर हम 12 साल भी पकड़े तो कम से कम यहाँ पर 3 बार इलेक्शन में 3 बार जो है आपके यहाँ पे घरों पे वोट मांगने के लिए लोग आए होंगे। तो वोट लेने के टाइम बहुत सारी बात बताते हैं, एक एक बात गिन के देते हैं और आने के बाद वो बराबर दोबारा कलेक्ट नहीं आते ना। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी समस्या हमेशा बनी हुई है, क्या कहेंगे आप अब इस बारे में? अब हमको इसका हल चाहिए। अच्छा, अब हमको ये सब जो तकलीफ है ना उसकी राहत चाहिए। अब ये राहत का सबब और अजबाब आप लोग के जिम्मे है। अच्छा, ये अभी करीब करीब 3 बजे से मामला है। हाँ। और अभी 5 से 6 घंटे से ज्यादा गुजर गया है, कोई भी सियासी नुमाइंदा यहाँ पर अभी तक आया नहीं है। नहीं। इलाके के कुछ लोगों ने सियासी लोगों को भी फोन लगाया। हाँ। लगाया, ऐसा उनका बोलना है। हाँ, लगाया। उन लोगों ने फोन भी लगाया मगर उसके बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आया। तो ये इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। अब कुछ महीने के बाद यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो क्या कहेंगे आप जब वो आपके दरवाजे पे दोबारा आपके जब आएंगे तो क्या आपके जवाब देंगे? नहीं है ना। अच्छा, और वो बेहतरीन शरीफ की वोट मांगने तो आएंगे। अच्छा। आएंगे ये तो हर हाल में हमको की वो आएंगे मगर खाली अपनी जरूरत पूरी करने के बाद। और अगर जिसको आना है और लेना है हमारी वोट की जरूरत है वो अभी से हमारे काम की कार्रवाई करे तो आगे हम इसको। अच्छा, ये जो पानी की टाकी बनी 2016 में शुरू हुई, ये जगह जगह लीक है, प्लास्टर उखड़ा हुआ, और किसी भी वक्त ऐसा लगता है कि शायद बैठ जाएगी वहाँ पर जो है स्कूल भी है। जाहिर सी बात है आपके अपने बच्चे भी जो स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर जाके। अच्छा, तो ये कितना खतरनाक है आज की तारीख में ये टाकी? जानलेवा हमला है वो तो, पानी की टाकी का नाम है मगर वो तो जानलेवा हमला हो जाए। ये दोपहर में जो है यहाँ पर कारखाने में आपके हमने देखा कि पानी घुस गया, और उसके बाद जो है क्योंकि पूरा सब लोहे का साजो सामान है, कारखानों में पतरा भी जो है लोहे का है, तब से जो है फिर क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ पर है और करंट जो है उतर चुका था तकरीबन, फिर ऐसी सूरत में आपने जो ये कारखाना कब से बंद रखा हुआ है? ये तकरीबन 3 बजे से बंद है कारखाना। अच्छा, 3 बजे से पूरी वायरिंग नीचे है और वो करंट आ गया था लूम के अंदर, तो हम लोगों ने एहतियातन लूम बंद कर दिया है, यानी मेन स्विच बंद कर दिया है। अच्छा। और ये 5 बजे से पानी चालू है कारखाने में। अच्छा। ये रुक नहीं रहा है पानी। अच्छा। और सब हमारा जो नुकसान हुआ है सब ये कोइन का थैला नरी वगैरह सब सब ये गिल्ला हो गया है। अच्छा। हाँ, यानी जो ताना बाना है वो तकरीबन सब सब भीग गया है सब। ये मिला के 2-3 मरतबा हो चुका है, इससे पहले भी ये शिकायत हुई है। अच्छा, आए दिन वो टाकी की जो है ना टाकी लीक होती, पूरे ग्राउंड में पानी भर जाता, उसका पानी पूरा इधर घर में कारखाने में सब तरफ बह जाता, घर वालों को तकलीफ होती। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश कॉर्पोरेशन ने किसी ने कभी कोई परमानेंट इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं की क्या? बार बार शिकायत करो उसके बाद भी वही काम रहता। अच्छा, उसके पहले लॉकडाउन में पूरा पानी बह रहा था। अच्छा, यानी हल कोई जो है इसका मिला नहीं अभी तक आप लोगों को? कोई ध्यान देता नहीं इधर को और कोई हल निकाल नहीं रहा, ऐसे इधर की आवाम इतना परेशान है। अच्छा, एनी टाइम इधर गडर भी बराबर नहीं बनी है, जब नल आता गडर का पानी जो है रोड पे आ जाता। अच्छा, पड़ोसी में एक दूसरे से झगड़ा होता। अच्छा, कार्पोरेटर को बोलो तो वो बोलता है मैं आ रहा लेकिन कोई आता होता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता लावारिस वार्ड वाले। अच्छा। ठेकेदार को भी बोलो तो वो भी आता होता नहीं और धुनी करके टहला देता हो बराबर, इधर कोई ध्यान उन देता नहीं। टाकी का भी प्रॉब्लम है, वो टाकी जो है ना वो उसको रिपेयर करना चाहिए या फिर वो टाकी बंद करना चाहिए, कभी ना कभी उस टाकी की वजह से बड़ा हादसा हो सकता, लोगों को जो है जान का नुकसान हो सकता। 20 दिन पहले 1 महीना पहले आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पानी की टाकी का पूरा जो अभी बायोडाटा था आपको बताए थे, तो उसके बाद भी हम बार बार कमिश्नर को ये वीडियो जो आपके चैनल के जरिए आई वो वीडियो से हम कमिश्नर को बार बार रिमाइंड करते रहे, जो इसका जो संबंधित डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई का उसके HOD से भी बार बार कांटेक्ट करते रहे मगर उनकी तरफ यानी गान पे ज्यों तक नहीं रेंग रही है, हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए। आज ऐसा हुआ कि कुछ वाल फेल हो गया, ऊपर से पानी की टाकी भी ओवरफुल हो गई और नीचे से वाल भी फेल हो गया, जिसकी वजह से इतना पानी
पूरे महल्ले में आप देख लीजिए यानी आपके कैमरे की आंख से कि सब पूरा पानी घर में आ गया है। ये देखो बड़ी भीड़ होगी, आज कम से कम 4 बजे घर से पानी वाटर पंप से परोस के बाहर निकाल रहे, फिर भी पानी की मिकदार आप घर में देख सकते हो। और उसके बाद जो ठेकेदार है मुतसिम करके कोई ठेकेदार है जो पाइपलाइन का, उसके हाथ में ठेका है, ये अपने एक बड़ी अम्मी जो बोल रहे थे उसको तो कम ज़्यादा बोल के गया कि यार हम क्या कर सकते, हमारी क्या जिम्मेदारी है। यानी कोई बड़ा बूढ़ा शिकायत करने जाता है तो एक गलत वर्ड इस्तेमाल करके यानी उनको वहाँ से हकाल दिया। और दूसरी बात ये जो उसका अजय खैरनार करके कोई है उसको फ़ोन पे फ़ोन करते रहो, ये कोई भी कार्रवाई करने यानी करता नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि कोई उसको कोई कामकाजी यानी कोई कामकाज लेने ही नहीं है उसको, या जो वार्ड का एकदम नायल और नाकार है वो। 17 फ़ोन करो 18 फ़ोन करो तो पहले भी रिसीव करता है, उसके बाद नंबर लोगों के ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, कोई काम करता नहीं है वो। और आज आप ये हालत देख लो, आज ये वार्ड की ऐसी हालत है, रात में सोएंगे कहाँ, और ये अपना खाना पकाना अभी तक पकाए नहीं। ये आप एक घर की वीडियो आप पूछे जाएंगे, पूरा कारखाना बंद पड़ा है, करंट आ गया पूरे कारखाने में। तो ये सब समस्या है और वो ऑफिसर कोई काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा ये टेक्निकल इशू, चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि भाई किसी किस्म की तकनीकी खराबी हो सकती है। तकनीकी खराबी होने के बाद जो इस तरह का मामला हुआ, लोगों के घरों में पानी भर गया, आसपास में पानी भर गया, उसके बाद बजाय सॉल्यूशन देने के डिटाई से बात करना, डांडगाई से बात करना, या इस तरीके की अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? और आप लोग जो है अब क्या इसकी शिकायत किसी को करेंगे या आप चुपचाप बर्दाश्त करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो अभी वो जो ठेकेदार का लाएगा तो उससे पूछेंगे कि यार आप क्यों वो किए, हम उसके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई करेंगे, मोहल्ले के लोग जाएंगे, हम कमिश्नर को भी शिकायत करेंगे, पुलिस स्टेशन में भी शिकायत करेंगे कि यार ये बदकलामी जो किया है। कोई भी एक ऑफिसर या कोई ठेकेदार को ये नहीं है कि वो कोई भी वार्ड की आवाम को या किसी को, एक तो आप पहली बात तो सहूलत दे नहीं रहे हो, सहूलत नहीं दे रहे हो, उसके बाद और डिटाई यानी डिटाई पर उतारू हो गए हो कि यार काम नहीं करना है, नहीं चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला काम कर रही है लोग। तो हम उनको बताएंगे, महल्ले की आवाम मिलके जब आएंगे तो हम उनको फिर डंडे और उससे स्वागत करेंगे उनका चप्पल से। तो अभी ये समस्या कई घरों में है और यहाँ से लोगों को जो है खाने पकाने की दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है रात में सोने बैठने की दिक्कत होगी, और बजाय उसको सॉल्यूशन देने के अपशब्द भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ना कहीं से जो है ये लोगों को आहत करता है, दुखी करता है। सही बात है, ये लोगों को दुखी करने आज ये जो बड़ी अम्मी है वो गए थे अपने मसले के हल के लिए, मगर उनको जब ये सब जुमला बोले हैं तो एक इंसान एक सॉल्यूशन बताता है कि यार ये थोड़ा वॉल ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, और उसका अपनी कमजोरी को छुपाते हुए अगर इनके ऊपर नहीं गुस्सा कर देना कि यार हम क्या कर सकते, हम क्या सबका ठेका लिया, यही सब जुमले का इस्तेमाल कर एक गलत वो है, इससे एक पब्लिक में भी गलत मैसेज जाता है कि यार हमारी बात हम बोले तो किसको बोले, जब जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसके माध्यम से काम चल रहा है, और वही आदमी अगर ऐसा इस्तेमाल करे तो फिर अवार्ड की आवाम किसके पास जाए। सही बात है। और जिससे यहाँ पर घरों में जो पानी निकाला जा रहा है वाटर पंप के जरिए, वाटर पंप की अपनी एक कैपेसिटी है, वो उतनी कैपेसिटी में जो है वो पानी खींच कर बाहर फेंकेगा, मगर कॉरपोरेशन के पास बाकायदा एक जो है इस सारी चीज़ों के लिए जो है वो गाड़ियाँ हैं, स्पेशल गाड़ियाँ हैं जो जल भराव के वक्त जो है अलग अलग इलाकों से पानी निकाल करके वो फेंकती है। तो कॉरपोरेशन का अमला भी क्या इस पूरे मामले का हल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, उन तक जो है वो आप लोगों की बात ही नहीं पहुँची? देखिए बात तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों की तो बात तो ऐसी है कि कमिश्नर साहब तो पहले तो जुमा मंगल करने यहाँ मालेगांव में आते, और उनका कोई ऑफिसर पर कोई दबाव है नहीं, सब ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज ये वार्ड में आज कम से कम 50 फ़ोन कर दिए अधिकारियों को कि अपने सलमान चाचा ये भी कई कंटिन्यू फ़ोटो पे व्हाट्सएप उनको फ़ोटो कर रहे हैं और बहुत सारी यानी शिकायत की है। ये अभी तक कोई ऑफिसर झांकने तक नहीं आए उनकी, यानी दादागिरी देखो ऑफिसरों की, यानी कोई यानी दाद रसानी के वास्ते भी नहीं आए कि यार क्या हुआ, क्या तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, हमारी कुछ ऐसा कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है।